हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हम्बल एक्सप्लेन। तो मेरा नाम है लवप्रीत। तो आज हम डेडपूल 3 मूवी की न्यू रिलीज डेट के साथ साथ बताएंगे कि आखिर कैसे टीका सीजन 2 डेडपूल 3 मूवी को बिल्ड करेगा। तो आपका इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे लोकी का सीजन 2 डेडपूल 3 मूवी की स्टोरी को बिल्ड करेगा। तो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था कि मल्टीवर्स में इनकजर्स शुरू हो चुके हैं और इन इनकजर्स के कारण 2 या 2 से ज्यादा रियलिटीज एक साथ टकरा रही है। यही इनकजर्स हमें लोकी के सीजन 2 में भी देखने को मिल रहे हैं। इनको मोबियस और लोकी एक साथ मिलकर फिक्स करने की कोशिश करेंगे लोकी के सीजन 2 में। और जब लोकी इस सेक्रेट टाइमलाइन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होगा, तब इसी बीच फॉक्स का एक्समैन का यूनिवर्स क्लाइड करेगा हमारे अर्थ 616 वाले मार्वल यूनिवर्स से। और इसी न्यू क्लाइडेड टाइमलाइन की वजह से हमें डेडपूल, वुल्वरीन और बाकी के एक्समैन मार्वल यूनिवर्स में नजर आएंगे और इसी के साथ डेडपूल 3 मूवी की स्टोरी का प्लॉट सेट हो जाएगा। और ये सब हमें लोकी सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें डेडपूल 3 मूवी की न्यू रिलीज डेट की, तो क्योंकि WGA स्ट्राइक के कारण डेडपूल 3 मूवी को डिस्नी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था, इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि डेडपूल 3 मूवी को डिले नहीं करा जाएगा। वेट करा जा रहा है कि आखिर कब ये राइटर स्ट्राइक खत्म होगी, ताजो हमारे रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल 3 मूवी में अपनी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सके। क्योंकि जब तक ये राइटर स्ट्राइक चलेगी, तब तक हमारे रायन रेनॉल्ड्स इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अभी भी डेडपूल 3 मूवी को 3 मई 2024 को रिलीज करने के लिए सेट करा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में।